Desi Parka by Zahir. वेलकम टू देसी तड़का बाय ज़हीर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लंच बॉक्स बर्गर वेज पैटी के साथ, जिसके लिए मैंने लिए हैं 3 पाव आलू, 1 पाव मैंने लिए हैं मटर जिनको मैंने छीला और ये बच गए हैं और इनको मैंने बॉईल कर लिया, 1 बड़े साइज की गाजर मैंने ले लिया है जिसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया, इसको भी मैंने 2 से 3 मिनट बॉईल करने कर दिया। मैंने 1 अदद शिमला मिर्च लिए जिसको मैंने इस शेप में कट कर लिए और इसको मैंने बॉईल किया क्योंकि ये पैटी में क्रिस्पी रहेगी। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया और मैंने 3 अदद मिर्चें ली हैं जो मैंने चॉप कर ली हैं। आलू को हम कर लेंगे मैश। आलूओं को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया, ये देखें अच्छी तरह हो गया। अब हम इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। ये हमने शिमला मिर्च ऐड कर ली, गाजर, मटर, 3 मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। तकरीबन हम 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, तकरीबन हमने 1 बड़ा चम्मच इसमें दड़ा मिर्च ऐड की है, लाल मिर्च हम इसमें कम डालेंगे जो पाउडर वाली है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच हम इसमें लाल पाउडर ऐड करेंगे यानी कि लाल मिर्च पाउडर। इसको अब कर देंगे हम अच्छी तरह मिक्स। ये देखिए जी हमारे वेज पैटी तैयार का मटेरियल तैयार हो गया है। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं उनको इस तरीके से वेज पैटी बना के खिला सकते हैं आप, क्योंकि वेजिटेबल्स हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हाथों को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। मैं इस तरह का ले लूँगी कैप जिसको मैंने ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लिया और जो मैंने मटेरियल तैयार किया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैंने लगाया है देसी जुगाड़, जैसे कि हमारे चैनल का नाम भी देसी तड़का बाय ज़हीर है तो मैंने ये देसी जुगाड़ लगाया है। ये मटीरियल मैं इसके अंदर इस तरह करके ऐड कर लूँगी। और इसको मैं हल्का सा डैप करूंगी और पैटी बाहर निकल आएगी। ये देखिए जी कितनी प्यारी राउंड सी पैटी तैयार है। इसी तरह मैं सारी पैटीज रेडी कर लूंगी। मैंने सिर्फ अभी यही 6 पैटीज बनाई हैं क्योंकि मैंने 6 बर्गर्स बनाने हैं। जो हमारा मटेरियल जो है इसको हम बाकी को फ्रिज में रख देंगे, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, ये तो अभी प्यारी लग रही हैं, जब बाद में बनेंगी और डिलीशियस लगेंगी। पैटी की कोटिंग करने के लिए हम एक बैटर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और 1 पिंच हम लेंगे फूड कलर। इसको हम कर लेंगे मिक्स और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। ये
देखिए जी हमारा मटेरियल तैयार हो गया है, ना ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा ये पतला है। हमने अगर इस तरह करेंगे तो ये इस तरह करेंगे जो मटेरियल होगा वो अपनी जगह पे ही रहेगा। और हमने साथ में ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। हम एक पैटी लेंगे जिसको हम इसमें इस तरह कर लेंगे, कोट करेंगे अच्छी तरह और फिर क्रम्स में भी हम इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरह। सारी पैटीज़ को हम इस तरह रेडी करके रख लेंगे। ये देखिए जी हमारी डिलीशियस पैटी तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो 15 से 20 मिनट इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, मगर आप फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने तो फ़ौरन फ्राई करनी है क्योंकि मुझे लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख। हमने ऑयल को पैन में अच्छी तरह गर्म कर लेना है और इसमें हम आराम से डाल देंगे अपनी पैटी। और अब हम इस तरह करके इस पे थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। एक साइड से जब पक जाए तो हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि जो हमने मटेरियल तैयार किया था वो पहले से ही कुक था, तो जो बाहर वाला मटेरियल है वो ही हम कुक करेंगे। ये देखिए जी हमारी पैटी कितनी प्यारी तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने टिश्यू पेपर्स इसलिए नीचे रखे हैं क्योंकि प्लेट को ऑयल ना लगे इसका। और बाकी तीन जो पैटीज हमारी बची थी वो भी हम फ्राई कर लेंगे। और आपके हम वैसे तो बातें करते हैं तो मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। आप जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट दें बहुत ज़्यादा। मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। ये देखें हमारी पैटीज हो गई हैं तैयार और ये देखने में भी बहुत प्यारी लग रही हैं और खाने में भी बहुत मज़े की हैं। आप चाहें तो ये बर्गर के बगैर भी खा सकते हैं, आप अपने गेस्ट को भी ये सर्व कर सकते हैं। अब हम बर्गर तैयार करेंगे। हमने ये मायोनीज़ लिया है, हम फ्रेश मायोनीज़ इस पे लगाएंगे क्योंकि हम ज़्यादातर फ्रेश मायोनीज़ ही लगाते हैं जो हम घर में बनाते हैं। हमने साथ लिया है सैलड, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते। हम इसको इस तरह अरेंज कर लेंगे। ऊपर रखेंगे हम पैटी, दूसरी साइड पे हम लगा लेंगे केचप। और अब हम इसे लगाएंगे ऊपर और ये लग रही है असली बर्गर। वेज पैटी बर्गर तैयार है हमारा। इसको चाहें तो आप दरमियान में से कट भी कर सकते हैं, मगर तो मैं तो इसको ऐसे ही इंजॉय करूँगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।